अब खबरें विस्तार से। अध्यापन बेशक पावन व नैतिक कार्य है, लेकिन कुछ अध्यापक अध्यापन प्रोफेशनल को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से अध्यापकों के दुष्कर्म मामले सामने आ रहे थे, लेकिन हमीरपुर जिला में गत दिवस को दो अध्यापकों ने रिश्वत लेकर अमंगल कार्य कर डाला है। हमीरपुर जिला के राजकीय उच्च पाठशाला बर्टियान के हेडमास्टर और अध्यापक स्कूल फर्नीचर की पेमेंट में मोटी कमीशन के चक्कर में विजिलेंस की ट्रैप में फंस गए। हेडमास्टर 21,000 और अध्यापक 8,500 रुपए नकद रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। दोनों पकड़े गए आरोपी अध्यापकों को आज दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमीरपुर जिला में गत दिवस दो अध्यापकों ने रिश्वत लेकर एक अमंगल कार्य कर डाला। हमीरपुर जिला के राजकीय उच्च पाठशाला भटरियान के हेडमास्टर व अध्यापक को स्कूल फर्नीचर की पेमेंट में मोटी कमीशन लेने की मांग को लेकर विजिलेंस में दी गई रिपोर्ट के बाद उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। इनमें से एक के पास 21,000 जबकि दूसरे के पास 8,500 की नकदी बरामद की गई है। दोनों पकड़े गए आरोपी अध्यापकों को दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के उच्च पाठशाला भटरियान के हेडमास्टर ने हमीरपुर की ही एक फर्नीचर फर्म से मई माह में स्कूल के लिए करीब 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर लिया था। इनमें से कुछ राशि का भुगतान फर्म को 5 जून तक कर दिया गया। शेष राशि के लिए फर्म के मालिक को स्कूल के कई बार चक्कर काटने पड़े। इस बीच कमीशन की बात सामने आई। फर्म के मालिक ने अपनी पेमेंट देने की बात कही तो आनाकानी होती रही। बाद में 30,000 कमीशन देकर शेष राशि के भुगतान की बात की गई। फर्म के मालिक ने सारी बात विजिलेंस को बताई। गत दिवस दोपहर बाद विजिलेंस की टीम DSP BD भाटिया के नेतृत्व में शिकायतकर्ता के साथ अपने अभियान के लिए वहां पहुंची। शिकायतकर्ता ने दोनों को स्कूल के पीछे बुलाया और विजिलेंस द्वारा तैयार किए गए पैकेट उन्हें थमा दिए। शिकायतकर्ता वॉशरूम के बहाने वहां से साइड हो गया और टीम को ओके का इशारा किया। विजिलेंस की टीम ने दोनों को रंगे हाथों पैसे गिनते पकड़ा। DSP विजिलेंस BD भाटिया का कहना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत स्कूल अध्यापक और हेडमास्टर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि FIR 5C 2009 के तहत मामला दर्ज हो चुका है और दोनों अपराधियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले कल हमारे पास एक शिकायत आई थी कि कंप्लेन का कहना था कि उन्होंने फर्नीचर दिया था स्कूल को और स्कूल के जो हेडमास्टर हैं और टीचर हैं एक, वो उसकी एवज में इनसे कमीशन रिश्वत की मांग कर रहे हैं, उसी पर यह कार्रवाई हुई है। इसमें कुल मिला के 29,500 रुपये रिकवर किए गए हैं, 21,000 हेडमास्टर से और 8,500 रुपये टीचर से। इसमें हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस रजिस्टर कर लिया और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।